दिवाली के मद्देनजर कोई भी आपराधिक घटना घटित न हो, इस उद्देश्य से शहर पुलिस की ओर से अवैध हथियार अपने पास रखने वाले आरोपियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शांतिनगर पुलिस ने 19 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। शहर में आए दिन अपराधों की श्रृंखला में वृद्धि नजर आ रही है। इसके तहत शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के मार्गदर्शन में अपराधी और अवैध धंधों को जड़ से उखाड़ने के उद्देश्य से शहर पुलिस ने धारदार हथियार और कट्टे कारतूस की बरामदगी के लिए विशेष मुहिम चलाई। इसके तहत शांतिनगर पुलिस ने 19 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार शांतिनगर पुलिस विशेष अभियान के तहत कश पर थी, जिस दौरान उन्हें 19 वर्षीय आरोपी नरेंद्र उर्फ बाली चिंतामन बोकड़े को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। ऐसी जानकारी पुलिस उप निरीक्षक अरुण बकाल ने साझा की। माननीय पुलिस उपायुक्त साहेब डिटेक्शन मार्गदर्शनाखाली अवैध शस्त्र बाळगणारे इसमाविरुद्ध आम्ही मोहीम राबवित असताना आम्ही स्वतः पोलीस उपनिरीक्षक अरुण बकाल, तपास पथक पोलीस स्टेशन शांतीनगर, तसेच आमच्यासोबत तपास पथकाचा स्टॉफ असे आम्ही या मोहिमेअंतर्गत परिसरामध्ये पेट्रोलिंग करीत असताना इतवारी रेल्वे स्टेशन या ठिकाणी आम्हाला एक इसम संशयास्पदरित्या दिसून आला। तो आम्हा पोलिसांना पळून जात असताना त्याला स्टॉफच्या मदतीने पकडले आणि त्याची झडती घेतली असता त्याच्याजवळ शस्त्र मिळून आले। त्याचे नाव त्याने नरेंद्र उर्फ बाली चिंतामन बोकडे, राहणार कुंदनलाल गुप्ता नगर असे त्याने सांगितले। त्याच्याजवळ शस्त्र मिळून आल्याने आम्ही त्याच्याविरुद्ध कलम 425 भारतीय अत्याचार कायदा, कलम 135 महाराष्ट्र पोलीस कायद्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली आहे। बता दे कि आरोपी नरेंद्र उर्फ बाली पर पहले भी कई मामले दर्ज है। वही पुलिस द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम से अपराधियों की दिवाली पर पानी फिर गया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।